आज अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपन बात करें तो जितना अभी तक अपन ने कर लिया है उसके हिसाब से लेक्चर 4 शुरू करेंगे। और अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो आज अपन फुल इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट सब पढ़ेंगे। अभी सर इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं चाहूंगा बच्चों को कि पहले कैसा फॉर्मेट बना लो स्पीच का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और जब भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बच्चों को फॉर्मेट बनवाता हूँ तो मैं बोलता हूँ एक चीज तो स्टार्टिंग से लिख के रखो एंड दैट इज व्हाट सब्सक्रिप्शन, है ना। मतलब जब भी अगर अपने बच्चे कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वो जैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे वो हाथों हाथ क्रेडिट साइड में पहली फुर्सत में लिख देंगे, क्वेश्चन को देखे बिना, बोर्ड्स के पेपर को देखे बिना, बाय सब्सक्रिप्शन, और चाहो तो ये समझ लो प्लस आउटस्टैंडिंग एट क्या था अपने पास एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस अगर हम बात करूं तो एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड। सर ठीक है, मतलब अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से अपन ये चीजें कर सकते हैं। सर सबसे पहले ये कर लेंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ आपकी बैलेंस शीट भी बनती है दोस्तों। तो ओपनिंग बैलेंस शीट छोटी बनती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बड़ी बनती है। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई नीड कि आप यहाँ पे छोटे से फॉर्मेट बना लो, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स, वन साइड यू हैव ओपनिंग बैलेंस शीट, ऑन द अदर साइड यू हैव क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो एक तरफ आपके पास क्या रहेगी ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी तरफ आपके पास क्या रहेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एंड द नेक्स्ट टाइप इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब एनटीओ को क्वेश्चन को हम आपसी बातचीत से कैसे सॉल्व करेंगे और हम क्या स्टेप्स बनाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हमारी स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगी, हमारी स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगी हर क्वेश्चन के लिए। तो सर अब आप स्टेप थ्री को आओगे, मैंने बोला हाँ पहली स्टेप आपके पास क्या है अगर मैं बात करूं तो आपका स्टेप वन रहेगी, आप बोलोगे ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब पहले कैश को ठिकाने लगाओ, कैश और बैंक के बैलेंस को ठिकाने लगाओगे, उसमें आप बोलोगे ओपनिंग कैश अगर मैं बात करूं, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये जो ब्रॉट डाउन होता है ये वो वाला कैश होता है और ये जो आखिरी में कैरेट डाउन वाला होता है ये वाला कैश, कैश और बैंक। तो स्टेप वन होगी ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसे कि अगर आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 41 को लू मैं, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 41 को लू तो 41 में आपके पास ओपनिंग कैश देखोगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में 50,400 और क्लोजिंग कैश में 15,000 रुपए के बाद, आप चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 41 में ओपनिंग कैश कितना है 50,400 और क्लोजिंग कैश में 15,000 रुपए गिवन है, 15,000 रुपए गिवन है। तो ओपनिंग कैश 50,400, क्लोजिंग कैश कितना 15,000 रुपए। स्टेप वन ओवर। स्टेप टू और सबसे प्यारी लवेबल स्टेप टू, हम सब्सक्रिप्शन को ठिकाने लगाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो बातें गिवन होगी हम स्टेप टू में सब्सक्रिप्शन को ठिकाने लगाएंगे। कुछ भी हो जाए हम क्वेश्चन में कुत्ते की भांति सूंघेंगे कि सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या बातें गिवन है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे है ना अगर बात करूं तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर एडवांस में किसमें एडजस्टमेंट में गिवन है कितना 2,000 एक अप्रैल का। तो सर वैसे तो अपन मेरी थर्ड स्टेप भी समझा दो आपको, थर्ड स्टेप जो रहेगी वो रहेगी एडजस्टमेंट्स, थर्ड स्टेप जो रहेगी वो क्या रहेगी कि अपन एडजस्टमेंट्स को ठिकाने लगाएंगे। तो सर आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ दोस्तों अगर अपन देखें तो सब्सक्रिप्शन कुल मिला के गिवन कितना है, तो सर कुल मिला के गिवन है सब्सक्रिप्शन आपका 66,600, चेक कर लो 66,600 सब्सक्रिप्शन गिवन कितना है 66,600। इसमें से ऑटोमेटिकली
लास्ट ईयर का है, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस एंड 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 होता है, जो बोलता है माय हार्ट इज बीटिंग, तो वो कितना है अपना 5000। तो सर इसको तो 5000 को माइनस कर दो, बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए कि 5000 को क्या कर दो माइनस, बिकॉज ये अपना हार्ट इज बीटिंग वाला है क्वेश्चन में गिवन अगले साल का एडवांस एट एंड। अब एडवांस एट बिगिनिंग एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन अरियर चेक कर लो 2000 रुपए, तो सर पिछले साल के कितने बकाया थे 2000। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं कुछ कैलकुलेशन समझाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा बच्चों कितनी समझ में आ रही है। पहली बात तो जब आपके बुक में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ना, तो आप चेक करना सब्सक्रिप्शन कैसे गिवन है। सब्सक्रिप्शन गिवन है पिछले साल के कितने रुपए 1800, यहाँ पे कितने गिवन है 60,000, और यहाँ पे कितना गिवन है 5000, और शायद यही गिवन है 60,000, और यहाँ पे 1600 गिवन है 1600, तभी जाके ये कितना 66,600। पहले बात बताओ एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन पिछले साल के बकाया कितने थे, बकाया 2000, और पिछले साल के आए कितने, मतलब 400 बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, एंड में ये 400 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 400 ऐड होंगे। हाँ, कि इस साल के मक्कार हैं कि पिछले साल के मक्कार हैं, मतलब ये महानीच वो लोग हैं जिसके पिछले साल 2000 बाकी थे, वो इस साल आया लेकिन आने के बाद भी उसने कितना दिया अगर अपन बात करें तो 1600 ही दिया। सर अगर आपको इस साल के मक्कारों के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरे पास 75 मेंबर्स हैं, और 75 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000, 75,000, 75,000 में से कितने आए इस साल के। सर ऐसा आप बोल रहे हो क्वेश्चन में गिवन है 75 मेंबर्स हैं, 1000 रुपीस का सब्सक्रिप्शन बनता है, इस साल की फीस बनती कितनी 75,000, इस साल की आई कितनी 60,000, तो ओवरऑल बची कितनी 15,000। ये 15,000 क्या है आउटस्टैंडिंग एट एंड इस साल का टोटल मिला के कितना हो जाएगा। सर देखो टोटल अगर अपन मिलाएंगे तो अगर अपन बात करें तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ 400 प्लस कितना 15,000। अगर पापा से पूछा जाए कि आउटस्टैंडिंग एट एंड टोटल कितने, तो पापा ने बोला इस साल के मक्कार कितने 15,000 और पिछले साल के मक्कार कितने 400। तो अगर आप इसको हिसाब किताब भी करोगे तो 15,400 प्लस हो जाएगा अगर मैं बात करूं, और टोटल का हिसाब किताब लगाओगे तो यहाँ पे टोटल आना कितना चाहिए 75,000, और आएगा भी वही अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो यहाँ पे 75,000 आना चाहिए और आएगा भी वही, क्योंकि इस साल की फीस बनती कितनी 75,000। अच्छा हाथों हाथ क्योंकि मेरी सेकेंड स्टेप पूरी हुई है तो मेरी थर्ड स्टेप क्या बताओ एडजस्टमेंट्स। थर्ड स्टेप क्या है एडजस्टमेंट। तो सर एडजस्टमेंट के साथ अगर आप लोग अलाउ करो, अगर आप लोग सोचो समझो और इसको डायरेक्टली देखो, तो आपको लग नहीं रहा है कि सब्सक्रिप्शन एट एंड यहाँ पे आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए 15,400, और जो एडवांस एट एंड है वो हमारी क्या होनी चाहिए लाइबिलिटी। तो एडवांस एट एंड कितना आना चाहिए अगर अपन बात करें 5,000 रुपए। एडवांस एट एंड कितना आना चाहिए 5,000 रुपए। आगे सर एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट क्या दिखे रखिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर है कितने का 1,00,000 रुपए का। तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है आपके पास फर्नीचर 1,00,000 रुपए का। सर आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग भी था, मैंने बोला हाँ बिल्कुल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था कितने रुपए का सर 2,000 रुपए का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है कितने की सर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की आपकी 6,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आपके पास 6,000 रुपए की। सर कहीं ना कहीं अगर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यहां से एक बैलेंसिंग फिगर आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एट बिगनिंग, कैपिटल एट सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में आएगी आपके पास। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पे करना बाकी है ना, तो आपकी आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होगी वो कौन सी साइड में आएगी लाइबिलिटी साइड। सर ठीक है, मतलब अगर हम आपसे बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया अगर अपन लेके चले तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो गई आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। सर एडजस्टमेंट में और क्या गिवन है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना परसेंट 10%। तो चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अगर अपन बात करें 10%, तो फर्नीचर बाकी 1,00,000 का, तो
कुछ और खरीदा भी है क्या? सर हाँ कुछ और खरीदा भी है 1 दिसंबर को। ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखोगे तो देखिएगा कि देखो सर, एक तो हमारे पास फर्नीचर था कितने का, 1 लाख सर, 1 लाख का ओरिजिनली था, ठीक है, तो उसपे क्या डेब लगेगा साल भर का? हाँ सर, कितना परसेंट? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो यहाँ पे कितना आ गया? 90,000। सर क्या आपने और फर्नीचर खरीदा भी है क्या? हाँ, आपने न्यू फर्नीचर कितना खरीदा है? अगर अपन देखे सिस्टमेटिकली तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको पेमेंट साइड पे मिल जाएगा कि न्यू फर्नीचर आपने 1,20,000 का खरीदा है दिसंबर में। आप खरीदा ये दिसंबर में, और क्योंकि इसको दिसंबर में खरीदा है तो इसमें डेप तो लगेगा माइनस कितना? 10%, मतलब कितना? 12,000। लेकिन कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये शायद वंजा, ये थ्रीजा, तो सर कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली कट के 4,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,16,000। सर ये कौन सा वाला डेप्रिसिएशन है? ये नया फर्नीचर जो खरीदा है जो आपकी पेमेंट साइड में दिखाई दे रहा है, जो आपकी पेमेंट साइड में दिखाई दे रहा है। सर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये 2020 का क्वेश्चन, जो लेटेस्ट अवेलेबल बोर्ड थी हमारे पास उसी का क्वेश्चन है, CBSE 2020 का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको मजाक में मत लेना। तो सर यहां तक अपन ने क्या कर दिया? अभी का इस एडजस्टमेंट में टोटल बच्चों से पूछूं कि डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो बच्चे बोलेंगे देखो सर, एक तो यहाँ पे 10,000 लगा और एक यहाँ पे 4,000 लगा, तो क्या ये डेप्रिसिएशन खर्चा है? तो खर्चे में डाल दूं क्या? तो डेप्रिसिएशन कितना? 10+ कितना? 4, दैट इज इक्वल टू कितना? 14,000।
और आपने उनको तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है, इन सबको ठिकाने लगाना आपकी क्या होती है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको सारी की सारी क्या लेनी रहती है एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप में आपको सारी की सारी क्या लेनी रहती है एडजस्टमेंट। फोर्थ स्टेप आप अटैक करोगे इसी में, मैं आपको बता दूं तो फोर्थ स्टेप कहीं यहाँ पे आएगी जब आप रिसिप्ट साइड्स को अटैक करोगे, और फिफ्थ स्टेप यहाँ पे आएगी जहां पे आप एक्सपेंडिचर साइड को अटैक करोगे। चेक कर लो सिस्टमेटिक और एडजस्टमेंट।